मॉड्यूल फोर्टी एट एक्सपेक्टेड प्राइस एंड ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेंज हो सकती है प्रोडक्शन डिसीजन की जब फार्मर जब भी एक प्रोडक्शन डिसीजन करेगा ये बेस करेगा अबाउट द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी लेकिन जब आप हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की

प्राइस रिस्क बेसिकली इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड प्राइस एंड रियलाइज्ड प्राइस को एक्चुअली क्या है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस रिस्क बट बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस रिस्क देअर इज चेंज इन सप्लाई क्या सप्लाई कर इज इंफ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द परसेप्शन अबाउट प्राइसेस एंड जेल फार्मर अगर हम बात करें जी एक फार्मर तो बड़ा रिस्क वर्स है अगर वो रिस्क होगा तो वो क्या करेगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेट रिस्क इन द प्रोडक्शन एग्रीकल्चर कमोडिटी वो उसको कल्टीवेट ही कुछ कम करेगा क्यों क्या जी बड़ा हाई रिस्क इन्वॉल्व है अगर वो रिस्क वर्स होगा ही विल नॉट कल्टीवेट दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड बिकॉज ऑफ नॉन कल्टीवेशन ऑफ दट एग्रीकल्चर कमोडिटी देर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई जब आप रिस्क की बात करते हो इट माइट बी पॉसिबल दीज आर बिकॉज़ ऑफ चेंज इन वेदर कंडीशन था कि जी बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च इसने किस चीज को इन्फ्लुएंस कर दिया इट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली वीटशील्डी अगर इनक्रीज टेम्परेचर कुछ ज्यादा राइज हो जाए मार्च के मंथ में तो आपकी वील्ड शील्ड क्या होती है ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है फिर इसी पैटर्न पे जो आपकी yield, आपकी जो यील्ड है इट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैक्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑन क्रॉप जी अगर कॉटन क्रॉप इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए क्या हो जाएगा इट है सम इन्फ्लुएंस ऑन कॉटन क्रॉप राइस पे अटैक होगा अगेन क्या होगा इट विल डिक्रीज राइस क्रॉप और मैं इसी चीज को ले जाऊं पोल्ट्री के केस में देन क्या होगा कि वेन एवर देयर इज अ डिजीज अटैक इन पोल्ट्री अगेन इट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द वेल ऑन द वेट एंड मोरटेलिटी ऑफ द पोल्ट्री मोर्टेलिटी ऑफ द चिकन इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिस्क बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दीज रिस्क देयर इज यील्ड इन डिक्रीज ऑफ कमोडिटी

कि जी फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़े और बिकॉज ऑफ नॉन मीटिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस सम इन्फ्लुएंस ऑन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज फार्मर ने तो आप लें एक्सपेक्ट किया था प्राइस ऑफ वीट फोर फोर थाउजेंड रुपी पर मांड होगी मार्केट में प्राइस गया एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग थ्री थाउजेंड रुपी प्राइस रिस्क ही है ना कि प्राइस ऑफ वेट इज वन थाउजेंड रुपीज लेस देन प्राइस लेकिन जो भी उसका प्लैंड आउटपुट था वो तो वही है जो उसने डिसाइड किया था अबाउट विद रेफरेंस टू प्राइस ऑफ वेट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड रुपीज पर मांथ और यहां यह जो चेंज इन सप्लाई होगा बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस ऑफ वेट इसको हम क्या कहेंगे दिस इज चेंज इन प्राइस बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस फिर इसी पैटर्न पे कभी यह भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर जो अपने शिफ्ट है वो ट्रांसफर कर दें टूवर्ड समीपल इन दार्केट हाँ जी वो अदर पीपल अदर एजेंट्स कौन से हो सकते हैं मार्केट में जी वहां पर क्रॉप इंश्योरेंस की भी एक फेसिलिटी थी क्या जी अगर आपकी क्रॉप में कोई पेस्ट अटैक होगा डिजीज अटैक होगा इंश्योरेंस फॉर्म विल कवर दी कॉस्ट ऑफ ऐसा हाँ, भी होता है फार्मर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं एग्रीकल्चर uh, आउटपुट को हार्वेस्ट नहीं किया लेकिन वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है विद पीपल इन मार्केट क्या जी जो भी हो प्राइस मार्केट में मैं आपको इस प्राइस पर मार्केट में सेल आउट करूंगा हाँ जी ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपके पास डिफरेंट बागात हैं फलों के वहां पे ये फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप नेक्स्ट ईयर के फ्रूट की नेक्स्ट ईयर की प्राइस ऑफ ऑर्चर्ड मैर कर रहे हो आज ही के दिन हाँ जी नेक्स्ट ईयर में प्राइस कम हो या ज्यादा हो उसका आपके प्राइस और आपके जो भी बाकी प्राइस डिसाइड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उस, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं That there is a change in supply of commodity because of, because of change in expected prices and yield risk. But this risk will significantly influence the profitability of the farmer.